रहमान रहीम, अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा लेक्चर नंबर 48 है, एक्सरसाइज 5.3, पेज नंबर 71। आज हमने क्वेश्चन नंबर 2 करना है, फाइंड द स्क्वायर रूट बाय डिवीजन मेथड। यहां पर भी ये क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द स्क्वायर रूट्स ऑफ द फॉलोइंग कॉमन फ्रैक्शंस बाय डिवीजन मेथड, पेज नंबर 71, एक्सरसाइज 5.3। तो आइए बोर्ड पे आते हैं। बढ़िया, देखें मैंने आपके सामने यहाँ पर क्वेश्चन किया हुआ है, इसका मैंने सेकंड पॉइंट लिखा है 425/484। मैंने इसकी ये ओवर में है, इसको डिवीजन मेथड से करना है, ऊपर वाले को अलग नीचे वाले को अलग। ये 225 की मैंने स्क्वायर रूट निकाल लिया बाय डिवीजन मेथड, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया क्योंकि ये पेयर यहाँ से स्टार्ट होता है, इस साइड से स्टार्ट होता है और अगला सिंगल हो जाएगा, तो 1 1 1, ठीक है जी, ये 1 रह गया, 25 उतार लिया, 1 को डबल किया 25 हो गया, 5 के साथ ये 2 हो गया, 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 लगाएंगे उसके साथ तो 5 के साथ ही मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 लगाएंगे तो 6 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, मैंने 5 लगाया तो 5 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 125 आ गया जो हमें चाहिए था, इसका आंसर आ गया 15। इसी तरह हमने 484 का बेटा कर लिया, 2 2s are 4, 84 उतारा, 2 को डबल किया 4, 2 इसके साथ लिखा तो 2 के साथ ही मल्टीप्लाई कर दिया, 84 आ गया। तो इसका 225 का आंसर आया 15 और 484 का आंसर आया 22, दैट इज़ द आंसर। इसी तरह बेटे मैंने नीचे वाला क्वेश्चन किया 729/1024, 729 को भी मैंने बेटा इसी तरह कर लिया, इसके पेयर बना लिए 2, और पेयर बनाने के बाद मैंने इनको ये 2 को 2 से किया 4 आ गया, 3 बच गया, 29 उतार लिया, 2 को डबल किया 4 आ गया, 4 के साथ जो मिलाऊंगा वही उसके साथ ही वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। जैसे देखिए मैंने 4 के साथ 7 लगाया तो 7 के साथ ही मल्टीप्लाई किया तो 7 7 49 7 4 48 + 4 32 आ गया बेटा। ये देखिए इसके ऊपर 4 कैरी ले लेंगे, ठीक हो गया बेटा। तो इस तरह बेटा ये 729 की हो गई, 27 इसका आंसर आ गया। इसी तरह 1024 का हमने किया, 3 3 9, ये एक पेयर, 3 का डबल किया 6, 2 साथ मिलाया, 2 के साथ इधर मल्टीप्लाई कर देंगे 62 बन गया, 62 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 124। जब दूसरे स्टेप में आएंगे तो दूसरे स्टेप में दूसरे नंबर के साथ ही मल्टीप्लाई होगा, पहले वाला नंबर पहले स्टेप में ख़त्म हो जाएगा। तो पहले का आंसर आ गया 27 ऊपर वाले का, नीचे वाले का आंसर आ गया 32, जो कि हमने लिख लिया। ये प्रॉपर फ्रैक्शन है क्योंकि नीचे बड़ा आ रहा है नंबर, ऊपर छोटा आ रहा है, तो इसे प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं जो मज़ीद डिवाइड नहीं हो सकता। इसी तरह बेटे मैंने क्वेश्चन नंबर 7 किया, 523/526/625। पहले मैंने 625 को 3 के साथ देखें मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आया, उसके बाद इसमें 526 ऊपर वाले प्लस कर दिए, ये आ गया 2401 जो मैंने लिख दिया, नीचे वाला उसी तरह आ गया। अब मैंने 2401 की अलग से कर ली, स्क्वायर रूट निकाल लिया, और 625 का अलग से निकाल लिया आपके सामने इसी तरह, और इसको मैंने मिक्स फ्रैक्शन में लिखकर क्वेश्चन को फिर जो आया था वो लिख दिया, और नीचे 2401 का आंसर क्या आया था 49 मैंने लिख दिया, 625 का आंसर क्या आया था 25 वो नीचे लिख दिया। अब ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब है कि न्यूमिनेटर बड़ा है डिनोमिनेटर छोटा है, इसको हम डिवाइड कर सकते हैं, ये मैंने साइड पर किया है, 25 1 25 9 में से 5 माइनस किए 4, 4 में से 2 माइनस किए 2, इसको पढ़ेंगे कैसे बेटा, ये जो ऊपर आंसर आया 1 ये साइड पे आ जाएगा, और जो नीचे आया 24 ये ऊपर आ जाएगा, और 25 जिसके सामने डिवाइड किया था वो नीचे आ जाएगा, इसको पढ़ेंगे कैसे, 1 होल
वन होल 24 ओवर 25, ठीक हो गया बच्चों। उसके बाद आ जाएंगे 5625 ओवर 40,000, मैंने 5625 की पेयर पेयरिंग कर ली और 7749 आ गया। इसी तरह ये 7 आ गया, अगला पेयर उतार लिया, 7 को डबल किया 14, उसके साथ क्या मिलाया 5 मिलाया, तो 5 के साथ ही मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये 725 आ गया, जो हमारा पूरा आ गया ये 725 आ गया। अब ये 40,000 की देखें क्या किया मैंने, यहाँ से पेयर बनाए और ये 4 अकेला हो गया, 2 2s are 4, ये फिनिश हो गया। आगे ये देखिए, ये एक पेयर है और ये 0 0 का दूसरा पेयर है। एक पेयर का मतलब है ये एक 0 आ जाएगा, दूसरे पेयर का मतलब है ये दूसरा 0 ऊपर आ जाएगा, तो ये 200 बन जाएगा। तो इस तरह हमने बेटा इसकी स्क्वायर रूट निकाल लिया, 5625 ओवर 40,000 को स्क्वायर रूट में किया और उसका आंसर आया था 5625 का 75 वो ऊपर लिख दिया और 40,000 का 200 वो नीचे लिख दिया। ये दोनों एक ही टेबल से कर सकते हैं, 25 3s are 75 25 8s are 800, दैट इज़ द आंसर। तो उसके बाद लास्ट क्वेश्चन मैंने किया, वन होल 295 और 729 को 1 से मल्टीप्लाई किया और 295 उसमें ऐड कर दिए तो 1024 आ गई, तो 1024 बटा 729 आ गया। 1024 की अलग से कर ली हमने, स्क्वायर रूट निकाल लिया डिवीजन मेथड से उसी तरह, और 729 का पहले भी मैंने निकाला पीछे तो सेम उसी तरह ये निकाल लिया, इसकी रेफर भी मैंने यहाँ पर इसका किया हुआ है। उसके बाद मैंने इसको होल में उसी तरह लिखा, फिर जो मैंने उसको तोड़ कर जो लिखा था 1024 उसको मैंने स्क्वायर रूट में डाल दिया और ऊपर वाले का आंसर आया था 32 और 729 का आंसर आया था 27। ये भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसको हम डिवाइड कर सकते हैं, जो कि मैंने साइड पे किया और आंसर आया वन होल 5 ओवर 27, वन होल 5 ओवर 27, ठीक है बच्चों। ये था हमारा आज क्वेश्चन नंबर 2, इंशाल्लाह मंडे को हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे इसका, और इसके बाद हमारी एक एक्सरसाइज रह जाएगी, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में हमारा सिलेबस भी ख़त्म हो जाएगा इंशाल्लाह। तो आप इसको अपनी कॉपीज़ के ऊपर नोट कर लीजिएगा और कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे रब्ता कर लीजिएगा। शुक्रिया।